अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से अमन और अमान में रखे, आमीन। तो ये लास्ट टाइम की वीडियो है जब मैं पाकिस्तान गई थी। वीडियोस मेरी कुछ रेंडम है, कोई ऊपर नीचे हो रहती हैं, कभी कुकिंग की आ रही होती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि एक तरतीब से वीडियो बनाऊँ, तरतीब से। बेशक एक वीक में या एक मंथ में एक ही वीडियो आए, लेकिन एक तरतीब से आए। तो ये आज़ाद कश्मीर की वीडियो है। जो लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये कौन सी जगह है। जब आप बाहर किसी मुल्क में चले जाते हैं या विज़िट करने के लिए जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपका मुल्क कितना खूबसूरत है। यहाँ के दरख्त, पहाड़, हर किस्म के दरख्त एक नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ कोई किसी ने कुछ लगाया हुआ नहीं, ये सब कुछ नेचुरल ब्यूटी है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी खूबसूरत तरीन मुल्क में चले जाएं, आपको जो उनसियत, जो प्यार, जो मोहब्बत और जो अपनाइयत होती है वो आपको अपने मुल्क में ही लगती है, जहां आप पैदा हुए होते हैं, जहां आपने अपना बचपन गुजारा होता है। यहाँ के लोग, यहाँ के लिबास, यहाँ का ओढ़ना बैठना सब कुछ आपका सेम होता है। आप जब चाहें जिससे चाहें बात कर सकते हैं। तो जब आप बाहर किसी मुल्क में चले जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको किसी से बात करने के लिए किसी से बात नहीं कर सकते। आगे पीछे आपको कोई अपना नहीं दिख रहा होता। बाज़त आप अपना कोई पाकिस्तानी देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि हमारा कोई पाकिस्तानी है, अपने पाकिस्तानी लिबास में देखते हैं तो बड़ी कदर होती है। तब जब हम एक ही जगह स्टिल रह रहे होते हैं, हमें जो अराउंड आपके अराउंड चीज़ें हैं, आपके रिश्ते हैं, या उनकी कदर नहीं होती। जब आप कहीं बाहर दूर चले जाते हैं उनसे तो तब आपको उस चीज़ की कदर होती है। जैसे हमारा कोई इंसान, कोई बंदा या कोई फैमिली मेंबर फोत हो जाता है तो हमें उसकी कदर डबल ट्रिपल हो जाती है। जब वो ज़िंदा होता हमारे साथ तो हमें उसकी बिल्कुल कोई कदर नहीं होती। तो यही ऐसे ही है कि जैसे हम अपने मुल्क में रह रहे होते हैं तो हमें सारी कमियां दिख रही होती हैं, हमारे मुल्क में ये नहीं, हमारे मुल्क में वो नहीं। तो जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। आप ये जगह देखें, दरख्त देखें, कितनी खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती दी है। लोगों में प्यार है, खलूस है, एक दूसरे की बात सुनते हैं, आपके कहीं दुख गम में शरीक होते हैं, खुशी गमी हर चीज़ में आप एक दूसरे के शरीक होते हैं। तो बाहर ऐसा कुछ भी नहीं, आपका कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए तो साथ वाले घर को कुछ पता नहीं होता। तो ये चीज़ें बड़ी मिस की जाती हैं जब आप बाहर निकल आते हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सब कुछ दिखाई जाती है, लेकिन पर्सन एज आ इंसान होने के नाते हमें जो नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरी, हमारा सियासी माहौल की वजह से हमारे मुल्क का इमेज इंटरनेशनली बहुत ख़राब है कि ये ऐसे है वैसे है। तो विज़िटर्स और इन्फ्लुएंसर जब आते हैं हमारे मुल्क में वो कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, इसकी खूबसूरती हर चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के खलूस से। अब इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा रोड्स कितनी अच्छी हैं, सारी रोड बिल्कुल क्लियर एंड बहुत ही अच्छी बनाई गई है और डेवलप हो रहा है हमारा मुल्क भी, कश्मीर में भी। देखें अब रोड्स वगैरह अच्छी हो गई। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और आपको जॉब्स नहीं मिल रही, इसी वजह से लोग बाहर निकल आते हैं। चलें वो इस एक लिहाज से ठीक भी है कि जब बाहर निकल आते हैं तो आपको यहाँ से कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं तो पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो भी डिवेल्प होती है। बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन अमान दे, सुकून दे। अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।